उसका एग्जाम होता है। 18 सब्जेक्ट जो एमबीबीएस में बच्चे शुरू से लेकर के पहली बार जब वो एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है और उसे जो पढ़ाई जाती है वहां से लेकर के बाहर निकल लेता है, कोई सिलेबस वेरीफाइड नहीं होता है कि सिर्फ इसी टॉपिक से आएगा या एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ मेडिसिन कैन कम इन दिस एग्जाम। ये बहुत ही टफ एग्जाम रहता है, मैं खुद इस एग्जाम से गुजरा हूँ और मुझे पता है कि कितना प्रेशर में बच्चे रहते हैं, कितने प्रेशर में हम रहते थे। तो इनमें जितने प्रकार की सहूलियत हम दे सकते हैं, हमने पहले भी इसमें मांग की थी कि एग्जामिनेशन सेंटर में पानी की व्यवस्था नहीं रहती है, एसी की व्यवस्था नहीं रहती है, लोगों को खराब से ट्रीट किया जाता है, इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। एक आपको जो आप 5000 रुपए ले रहे हैं एग्जाम कराने के लिए, तो आपको बेसिक सुविधाएं देनी चाहिए डॉक्टर्स को जो वहां पे एग्जाम देने जा रहे हैं। उसी तरह से मैं इस पे भी बोलना चाहूंगा कि जो चीज हम दे सकते हैं बच्चों को और जो उनका डिमांड लेजिट है, जेन्युइन है, और किसी भी डिमांड को मैं सपोर्ट नहीं करता हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कह देता हूं, कई लोगों के अली अनेक अगर कोई पॉलिटिकल डिमांड है तो हम उसको नहीं सपोर्ट करते, लेकिन जो एग्जामिनेशन रिलेटेड डिमांड है, जो एग्जामिनेशन रिलेटेड बात है, उसको मैं और फाइमा डॉक्टर्स एसोसिएशन पूर्णतया सपोर्ट करता है। और हम आग्रह करते हैं, हम आशा करते हैं कि हमारी इस बात को सुनी जाएगी, क्योंकि ये सही बात है और पॉलिसी डिसीजन है डॉक्टर्स के रिगार्डिंग है। इस पर थोड़ा सा फोकस अगर हम कर लेंगे तो ये अच्छा काम होगा जी। और इसमें एक सवाल ये भी है कि क्या अब तक आपने सरकार से कोई संपर्क साधने की कोशिश की है? जी, कई बार संपर्क साधने की कोशिश की है, सिर्फ मैंने ही नहीं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिव ने भी चिट्ठी लिखा है इस मैटर को लेकर के, और कई एसोसिएशन संगठन के लोगों ने मिलने की भी कोशिश करी है। चूंकि अभी पार्लियामेंट का बजट सत्र चल रहा था, इसलिए माननीय मंत्री जी से इस मुद्दे पर मुलाकात नहीं हो सकी, ना ही मेरी पर्सनल बात हुई है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के आला अधिकारियों से मेरी पर्सनल भी बात हुई है इस मुद्दे को लेकर के, नेशनल मेडिकल कमीशन के भी लोगों से बात हुई है, और वो भी इस मामले को समझ रहे हैं